गहलोत सरकार प्रदेश में अनलॉक चार की ओर बढ़ रही है। प्रदेश में अब बड़े धार्मिक स्थल 7 सितंबर से आम लोगों के लिए खोले जाएंगे। राज्य के गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है और इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़े धार्मिक स्थलों को 7 सितंबर से खोलने के निर्देश दिए थे। गृह विभाग ने मुख्यमंत्री की घोषणा पर आधिकारिक मुहर अब लगा दी है। कोरोना संक्रमण की समीक्षा बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़े धार्मिक स्थलों को खोलने का फैसला लिया था और सभी धार्मिक स्थलों पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। हर जिले के कलेक्टर और एसपी बड़े धार्मिक स्थलों पर जाकर निगरानी भी करेंगे। कोरोना काल में बंद रहे प्रदेश के सभी धार्मिक स्थल 7 सितंबर से फिर से भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। सरकार के इस फैसले का धार्मिक संगठनों, धार्मिक गुरुओं और साथ ही भक्तों ने स्वागत किया है। मोटी डूंगरी गणेश मंदिर के महंत कैलाश शर्मा ने कहा कि सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। गाइडलाइन के मुताबिक मंदिर प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। नरवर आश्रम सेवा समिति खोले हनुमान मंदिर के महामंत्री बीएम शर्मा ने बताया कि कोरोना के गाइडलाइन के मुताबिक 7 सितंबर से मंदिर भक्तों के लिए दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। राजस्थान सिख समाज के अध्यक्ष अजयपाल सिंह ने कहा कि गुरुद्वारों में सरकार की जो पालना है गाइडलाइन की, वो सुनिश्चित की जाएगी। वहीं चीफ काजी राजस्थान खालिद उस्मानी ने लोगों से सरकार की गाइडलाइन की पालना करने की अपील की है। उसका नरवर आश्रम सेवा समिति खोलेकर मांझी द्वारा इस प्रस्ताव का स्वागत करते हैं हम लोग, और हम आशा करते हैं कि हनुमान जी महाराज की कृपा से सभी भक्तों को सुचारू रूप से और कोविड से सुरक्षा के तहत हम दर्शन कराएंगे। सभी भक्तों को लाइन से लगा करके और जो 6 फीट की दूरी है, 6 फीट की दूरी, उसको दूरी में निशान लगा करके और एक भक्त को दर्शन कराएंगे। साथ ही भक्तों से निवेदन करेंगे वो प्रसाद माला और नारियल अपने साथ में लाएं, सेवा प्रेष देव के दर्शन करके और क्रमवार से अपने नीचे प्रस्थान कर जाएं। और उसके साथ ही जैसा कि हमारे खोले का हनुमान मंदिर में सहस्त्रघट आदि वगैरह होते हैं, वो सारे कार्यक्रम हमने निरस्त किए हुए हैं। अभी सहस्त्रघटों की कोई भी बुकिंग या कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई नई गाइडलाइन नहीं आ जाती है। ऑटोमेटिक सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज होंगे। इस सैनिटाइज के अंदर अल्कोहल नहीं है, सिल्वर नैनो के पार्टिकल से वो सैनिटाइज होंगे, क्योंकि अब दर्शन के अंदर प्रसाद नहीं चढ़ रहा है। तो अगर एक भक्त को हम 15-30 सेकंड देते हैं तो हमारा जो स्पान सुबह 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक का है, उसमें हम करीब 20,000 आदमियों को दर्शन करा सकते हैं। और ये संख्या बहुत बड़ी है, इतने दर्शनार्थी नहीं आते। जैसे बुधवार को होगा तो बुधवार भी इसमें समा जाएगा, क्योंकि 60 साल के बुजुर्गों को दर्शन करने से भारत सरकार ने रोका हुआ है बाहर निकलने से, और 10 साल के बच्चों को घर के बाहर निकलने से रोका हुआ है। तो ये दोनों कट के, और मैं मानता हूँ बुधवार को भी 12-15 हज़ार दर्शनार्थी आएंगे, जो व्यवस्था हमने कर रखी। उसी कड़ी में हम लोगों ने, कमेटी ने एक निर्णय लिया है, ये लिया है कि जितने भी लोग यहाँ आएंगे वो अपने, पहले हमने हैंड सैनिटाइजर रखे हुए हैं, हाथ साफ करेंगे, साबुन के लिए फुट वाली हमने मशीनें रखी हुई हैं जो पैर से चलती हैं, वो पानी एंड साबुन सब उसमें से निकलता है, उसको यूज़ करेंगे। देन आगे जाएंगे तो वहाँ थर्मामीटर से उनका टेम्परेचर चेक होगा, उसके बाद में अंदर जाके मत्था टेकेंगे तो दोनों टाइम दिन में 2-3 बार शीट चेंज करेंगे जहाँ मत्था टेकते हैं।